नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। अस्पताल में गंदगी की वजह से मरीजों की हालत गंभीर। सोनभद्र तहसील मुख्यालय दुधी से 600 मीटर की दूरी पर स्थित स्वास्थ्य केंद्र दुधी है, जहां पर हॉस्पिटल की स्थिति बहुत ही खराब है। मरीज अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन यदि गंदगी रहेगी, दुर्गंध उठेगी तो मरीज के साथ अटेंडेंट भी बीमार पड़ जाएगा। आज जब भाजपा नेता डीसीएफ चेयरमैन सुरेंद्र अग्रहरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुधी पर खोखे के निवासी पितन गुप्ता का हालचाल लेने के लिए गए तो वहां की स्थिति देखकर हैरान रह गए। मरीज परेशान है, वार्ड में तो गंदगी थी ही, शौचालय की भी स्थिति अत्यंत खराब थी, उसमें पानी भी नहीं आ रहा है। एक मरीज ने बताया है कि सप्ताह में केवल एक बार सफाई हुई है, शौचालय में तो एक सप्ताह से ऊपर हो गए, पानी नहीं आ रहा है। भाजपा नेता सुरेंद्र अग्रहरी ने इसकी सूचना उप जिलाधिकारी महोदय मिल कर दी। तत्पश्चात उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा भी निरीक्षण करने पहुंचे और गंदगी और उठते दुर्गंध पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। साथ में संचित तिवारी, धनंजय रावत उपस्थित रहे। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, मनीष कुमार की रिपोर्ट। कब से भर्ती हैं? हमें पहले थे और कल 1 बजे रात से भर्ती। तो क्या यहाँ साफ सफाई पर डे होता है? नहीं होता है। जब हम 1 हफ्ते पहले भर्ती थे जी, तो हम 50 रुपए दे को सफाई करवाए थे यहाँ पे जी, तब इस बेड पे आए थे। अच्छा अच्छा। और कल से जब भर्ती है तो यहाँ साफ सफाई नहीं हुई। जब हम यहाँ आते हैं जी, महीना दिन से क्या 1 हफ्ते में जब भर्ती थे जी, तो कोई भी शौचालय या बाथरूम में एक भी पानी नहीं आ रहा है जी। 10 रुपए हम सुपर को आता है तो दे के, तो बाथरूम या लाइटिंग जाते हैं पानी एक बल्टी भरवा के। कोई भी बाथरूम में या लाइटिंग में पानी एकदम आ ही नहीं रहा। बताइए सारे मरीज कैसे कहाँ जाएंगे, कितना बाहर जाएंगे? स्मेल आ रहा है, दुर्गंध वगैरह, स्मेल बहुत आ रहा है। दुर्गंध तो वैसे हमें भी आ रही है, काफी दुर्गंध है। एक तो ऐसे आदमी रोगी बन गया है, ऊपर से वो बदबू से भी रोगी बन जा रहा है, ठीक कैसे होगा ये बताइए। क्या सरकारी अस्पताल का प्रबंधन सही है, व्यवस्था सही है यहाँ का? व्यवस्था सही मेरा लेकिन सफाई सही नहीं है। सफाई व्यवस्था सही नहीं जी, एकदम साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। डॉक्टर शाह आलम जी कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया कि वो गए हैं मीटिंग में कहीं जी। मैं पूछा कि इंचार्ज कौन है, तो बताया कि पता नहीं है। तो मैं कहा कि कितना गंदगी यहाँ पर है, महक रहा है, पूरा दुर्गंध दे रहा है जी। और जो मरीज है वो किस तरह से रह रहे होंगे जी। मैं 10 मिनट खड़ा नहीं हो सकता जी, या कोई व्यक्ति वहाँ 10 मिनट का खड़ा हो जाए जी, तो उसकी स्थिति बुरी हो जाएगी, एकदम मरने के लायक हो जाएगा। वह मरीज यहाँ दवा कराने आ रहा है हॉस्पिटल में जी, तो मरने के लिए थोड़े आ रहा है। इससे अच्छा है बाहर घूमते फिरते रहे, उससे अच्छा उसकी स्थिति रहेगी। मैं अभी CMO साहब से मैं बात किया हूँ जी, यहाँ पर देखिए पूरी अस्पताल में गंदगी है जी, जो ठीक नहीं है जी। अब इनाम आप आते रहिए, अवार्ड लेते रहिए, आवाज स्थिति देख लीजिए क्या है हॉस्पिटल की। बुद्धि हॉस्पिटल की स्थिति बहुत दयनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बेड भी नहीं है सर। मैं यहाँ दुधी से रिपोर्टर हूँ, दिन भर में 3 बार अस्पताल आता हूँ। यहाँ के अधिकारियों से भी कई बार बात किया गया है इसको लेकर के, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रहता। सभी चीज़ों से अवगत कराया है, मौखिक भी, खबर के माध्यम से भी। जब खबर लगाया जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि आप लोग खबर लगा देते हैं, क्यों लगा रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएँ ठीक नहीं हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं DM साहब से मिल करके, नहीं अगर होगा तभी विधानसभा सत्र चलने वाला है, वो उन स्वास्थ्य मंत्री से मिल करके यहाँ की स्थिति के बारे में बताऊंगा कि इस हॉस्पिटल को जो है अवार्ड दिया जा रहा है, और स्थिति देख लीजिए क्या है, आपके सामने है, सबको सबके सामने है। मरीजों की स्थिति देख लीजिए क्या है, मरीज अपना बयान दे रहे हैं और दे रही हैं। अभी बीते दिनों CMO साहब निरीक्षण किए थे, तो उस निरीक्षण में CMO साहब को तमाम दुर्व्यवस्थाएँ यहाँ की गिनाई गई। उसमें बताया गया कि शौचालय में पानी और शौचालय की साफ सफाई, इसके साथ ही साथ परिसर की साफ सफाई के लिए बोला गया था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। CMO साहब ने आपने बात किया है अभी, कि आपको लगता है कि ये व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? नहीं, अगर टाइट हुआ जाएगा तो सुधर जाएगा। आदमी इंस्पेक्शन करता रहेगा, आता जाता रहेगा। अब इनको डायरेक्ट CMO और DM साहब से बात करेंगे तो सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो ऐसे अधिकारियों को, ऐसे डॉक्टरों को यहाँ से हटाया जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज।